देश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर एक और दावेदारी आज यहां पर जताई गई है कांग्रेस की ओर से, और होली लॉज भी अब यहां मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी जता रहा है। देखिए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर की ओर से ये दावेदारी जताई जा रही थी, लेकिन प्रतिभा सिंह आज अपने आप में ही यहां एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह के शब्द भी यहां कुछ एक बदले हुए से नजर आए हैं। बारीकी से बिल्कुल हम आपके साथ इस संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। वहीं भाजपा के लिए फिलहाल सर्वे क्या कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों के साथ एक बैठक ली है जिसमें इन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर बहुमत हासिल करने वाली है भाजपा हिमाचल प्रदेश में, और कौन सी चार निर्दलीय सीटों को भाजपा अपने पक्ष में करने वाली है, इस बात को लेकर भी यहां खुलासा हो चुका है, तो बिल्कुल अपडेट हम आपको देंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी भी बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि 3 दिन में जो छात्र फेल हुए हैं 80% के करीब इनकी संख्या है ऑल ओवर हिमाचल में, और 3 दिन के भीतर रीचेकिंग के बाद इनका फिर से परिणाम यहां सामने आने वाला है। ये देखना भी काफी ज्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि बार बार यहां ERP सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे थे, ऑनलाइन सिस्टम की दुहाइयां दी जा रही थी छात्रों की ओर से, लेकिन अब आने वाले दिनों में फिलहाल किस तरह का परिणाम यहां घोषित होता है रीचेकिंग के बाद, और छात्र फिर से इससे मत हो पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। कौन से एंटिटी संस्थानों पर गाज गिरी है और नियामक आयोग ने बड़ा एक्शन अब इन संस्थानों पर यहां ले लिया है, ये भी नई अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सांसद प्रतिभा सिंह के बड़े बयान से ही। देखिए, अभी तक कांग्रेस में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि वो सीएम फेस को लेकर काबिलियत रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के शब्द भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, और कौल सिंह ठाकुर तो सरेआम ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा वरिष्ठ है, अनुभव रखते हैं और पूरी तरह से काबिलियत है उनमें एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन अब यहां आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिभा सिंह का यह कहना था कि 60 वर्ष होली लॉज ने दिए हैं अपने प्रदेशवासियों को भी और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी। दरअसल यहां जिक्र उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का किया है। उनका यह कहना था कि बिना स्वार्थ की भावना से वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों के लिए कार्य किए हैं, आज भी वो कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, पार्टी को मजबूत बनाने में भी होली लॉज की एक अहम भूमिका रही है। अब इसलिए समर्थक ये चाह रहे हैं, फिर चाहे वो विधायकों की बात कर रही थी या बाकी जो कार्यकर्ता है, और कुछ एक प्रदेशवासियों को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है कि ये सभी अब इस तरह की राय यहां रख रहे हैं कि ये होली लॉज का जो अध्याय है वो खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे भी इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि वीरभद्र सिंह के साथ प्रदेशवासी टच थे, अभी भी हैं और आगे भी इसी तरह से रहने वाले हैं, और वीरभद्र सिंह का परिवार भी अभी तक सेवा भाव रखता है प्रदेशवासियों के लिए, आने वाले समय में बेहतरीन कार्य यहां हिमाचल वासियों के लिए करना चाह रहा है, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी कई प्रयास करना चाहता है। हालांकि बाद में फिर उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए ये बात भी कही कि अभी हाईकमान पर ही तय करता है कि वो कैसा फैसला इस संदर्भ में लेते हैं, ये कार्यकर्ताओं के या समर्थकों के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, जो बड़े लीडर्स यहां पर कांग्रेस के चाहेंगे सीएम फेस तो उसे ही यहां पर मिलने वाला है। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि एक बड़ी स्टेटमेंट आज यहां पर प्रतिभा सिंह की ओर से दी गई है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, और अभी यहां पर देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जबकि बात यह भी है कि जब अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बनाया गया था कांग्रेस कमेटी का, तो उस वक्त यह स्पष्ट कर दिया गया था कांग्रेस हाईकमान की ओर से कि आने वाले समय में ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अब यहां सीएम फेस को लेकर दावेदारी एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्टली जताने की कोशिश की है। और दूसरी बात, अगर पूरे हिमाचल वासियों की भी जानकारी दे, जिस तरह से सर्वे चल रहे हैं या अंदाजे यहां पर लगाए जा रहे हैं बड़े राजनीतिज्ञों की ओर से, तो प्रतिभा सिंह का नाम भी सबसे ऊपर अभी माना जा रहा है। फिलहाल इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ये दावा कर चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू कर चुके हैं, और कौल सिंह ठाकुर तो हर स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा अनुभवी हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि सरकार कैसे चलानी है, और इससे पहले वो कांग्रेस को अध्यक्ष पद पर रहकर कई बार जिता भी चुके हैं। तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें भी क्या कुछ होता है। वहीं विक्रमादित्य सिंह की बात करें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी देखिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह शामिल हुए थे, तो एक तरह से इन्होंने खुशी जताई है। इनका यह कहना था कि इस भारत जोड़ो यात्रा में अपनी प्रेजेंस शो करना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, न केवल किसी एक राज्य के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए।
वहीं बात करना चाहेंगे सीएम फेस को लेकर, यहां विक्रमादित्य सिंह भी बड़ी बात कह गए हैं। इनका ये कहना था कि होली लॉज को अभी तक जितने भी यहां पद दिए गए हैं या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें बखूबी इन्होंने निभाया है, हर पद को दिल से स्वीकार किया है और बखूबी उस पर अपना कर्तव्य भी निभाया है। आने वाले समय में जो भी पद यहां हाईकमान की ओर से वीरभद्र परिवार को सौंपा जाएगा उस पर भी ये अपनी जिम्मेदारी इसी तरह से निभाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पर पलटवार कर गए हैं क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज हारने वाले हैं। तो इनका ये कहना था कि शायद मुख्यमंत्री के खुफिया तंत्र उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं, अभी सही से उन्हें पता नहीं लग पाया है। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग, सभी कर्मचारी और बाकी प्रदेशवासी ये जान गए हैं कि इस बार यहाँ हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन सीएम को अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, वो बौखलाहट में ही है। लेकिन 8 दिसंबर को उन्हें भी पता चल जाएगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का जो गठन होगा वो कौन सी पार्टी की सरकार होगी। हालांकि खरीद फरोख्त से यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस डरती और घबराती हुई नजर आ रही है। विक्रमादित्य का ये कहना था कि यूं तो 2/3 बहुमत से कांग्रेस यहां जीत हासिल करने वाली है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो निर्दलीय चेहरों से भी संपर्क पहले ही साधा गया है और बागियों के संपर्क में भी कांग्रेस है, यानी कि उन्हें भी यहां पर फिर बाद में शामिल कर सकती है कांग्रेस अपनी पार्टी में ताकि बहुमत के साथ यहां सरकार बन सके। अब काउंटिंग एजेंट्स पर आना चाहेंगे क्योंकि देखिए मतगणना का दिन तो नजदीक आने वाला है और ये प्रत्याशियों की ओर से मतगणना एजेंट उस दिन नियुक्त किए जाते हैं ताकि इनके और यहाँ एजेंट्स के सामने ही वहां काउंटिंग हो सके, सही से काउंटिंग हो सके और इनके मन में भी कोई संदेह ना बना रहे। इसके लिए फॉर्म 18 भरना होगा, ये चुनाव आयोग की ओर से आदेश जारी हुए हैं। दरअसल रिटर्निंग अधिकारी के काउंटिंग टेबल में और पोस्टल बैलेट वाले टेबल में इन काउंटिंग एजेंट्स को यहां नियुक्त किया जाएगा और प्रत्याशियों को ये जानकारी पहले ही चुनाव आयोग की ओर से पहुंच जाएगी कि कितने एजेंट्स को ये वहां पर अपने नियुक्त कर सकते हैं हर मतगणना केंद्र में। और इसके लिए फॉर्म 18 भरना होगा, फॉर्म 18 में जो हस्ताक्षर होंगे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष इन एजेंट्स को करने होंगे। इसके अतिरिक्त एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे, ये जो फॉर्म 18 होगा फोटो और पहचान पत्र इसमें सबमिट करनी होगी इन एजेंट्स की ओर से जो वहां पर काम करने के लिए जाएंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। तो एक ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिसंबर के बाद किसी का भी फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है, यानी कि 4 दिसंबर तक यहां समय होगा इन एजेंट्स के पास कि ये जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर ले, उसके बाद नहीं तो ये मतगणना में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, यानी कि एक तरह से काउंटिंग एजेंट के तौर पर इनकी नियुक्ति वहां पर नहीं हो पाएगी। तो प्रत्याशियों के लिए भी ये जानकारी है और काउंटिंग एजेंट्स के तौर पर जो वहां पहुंचने वाले हैं मतगणना केंद्रों में उनके लिए भी अपडेट हम लेकर आए थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़ी भी नई अपडेट लेकर आए हैं। आज ही SFI की ओर से वहां पर नुक्कड़ नाटक किया गया, साथ ही साथ पिछले कल से क्योंकि ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, इन्होंने हड़ताल भी अपनी इस नुक्कड़ नाटक के साथ समाप्त कर दी है। ABVP की ओर से बड़ा प्रदर्शन हो चुका है, बाकी छात्र संगठनों की ओर से लगातार डिमांड उठाई जा रही थी कि रीचेकिंग होनी चाहिए पेपर्स की। 3100 के करीब ये पेपर्स हैं जो कि अभी रीचेकिंग के लिए गए हैं, ठीक 3 दिन बाद इनका परिणाम यहां घोषित होने वाला है। रैंडम सैंपलिंग के तौर पर फिलहाल इन्हें भेज दिया गया है रीचेकिंग के लिए और एक एक प्रोफेसर को 40 से 50 के करीब यहाँ पेपर दिए गए हैं। अब यहाँ पता लग जाएगा पूरी तरह से, ये बात स्पष्ट होने वाली है, जो ऑनलाइन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे थे वो सही थे या फिर छात्रों की ओर से ही पढ़ाई को लेकर इस बार किसी तरह की कोई कोताही बरती गई है। अब ये चीज यहाँ स्पष्ट हो जाएगी ठीक 3 दिन बाद क्योंकि रिजल्ट घोषित होने वाला है। हालांकि देखिए इससे पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से एक नोटिस और जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था छात्रों से कि नेक्स्ट ईयर की कक्षा में ये बिल्कुल बैठ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अंडरटेकिंग इन्हें देनी होगी कि मान लीजिए अब रीचेकिंग के बाद भी अगर ये इस परीक्षा में फेल पाए जाते हैं तो दोबारा से इन्हें फर्स्ट ईयर की परीक्षा में बैठना होगा, फर्स्ट ईयर की कक्षा में भी बैठना होगा। तो फिलहाल इस पर भी कई तरह की आपत्तियां यहां छात्रों की ओर से जताई जा रही हैं। उनका ये कहना है कि उनका समय इससे पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, समय से यहां पर रिजल्ट घोषित कर देते तो इस तरह की समस्या उनके समक्ष नहीं आती और आने वाले समय में भी छात्रों का क्या रुख रहता है ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। एक चीज यहां और स्पष्ट हो चुकी है, ये जो ग्रेस मार्क्स मांग रहे थे छात्र 8 नंबर, ये भी उन्हें नहीं मिलने वाले हैं। आम तरह से जब परीक्षाएं होती है तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रीचेकिंग में कोई भी ग्रेस मार्क्स इन्हें नहीं मिलेंगे, कुलपति की ओर से ये भी यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। अगली बात करना चाहेंगे
भाजपा सर्वे से जुड़ी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहीं इन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के साथ बड़ी बैठक ली है और इस बैठक में बड़ा खुलासा इन्होंने ये किया है कि इस बार जो भाजपा की ओर से सर्वे हुआ है 32 सीटों पर ये जीत हासिल करने वाले हैं और इसके अतिरिक्त 4 निर्दलीय सीटें इनके पक्ष में जाएगी, तो यानी कि 35 सीटें काफी है बहुमत हासिल करने के लिए। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है और इन्होंने आश्वास किया है बाकी प्रत्याशियों को भी कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी, यानी कि मिशन रिपीट का दावा ये पहले से करते आ रहे थे, लेकिन मिशन रिपीट सक्सेसफुल भी होने वाला है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये मुख्यमंत्री कह गए हैं। पिछले एक हफ्ते से जो लगातार यहां पर स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री की ओर से सामने आ रही है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में उसमें नजर आ रहे हैं। शायद कारण ये भी है कि भाजपा की ओर से नई रणनीति पर यहां काम किया जा रहा है कि जो निर्दलीय चेहरे हैं और जिताऊ चेहरे अभी माने जा रहे हैं उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है, बाद में अगर यहां पर भाजपा कुछ एक सीट्स पर हार भी जाती है तो इन निर्दलीय चेहरों को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी। और देखिए ऐसा 1998 में हुआ भी था, धूमल सरकार बिल्कुल इसी तरह से बनी थी, 5 निर्दलीय चेहरे उस वक्त पार्टी ने अपने पास रख लिए थे, यानी कि अपने साथ शामिल कर लिए थे और सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई थी। एक बार फिर से ऐसी ही रणनीति पर यहां काम किया जाएगा, इस तरह का दावा मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। अब दूसरी बात हम करना चाहेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि 2/3 बहुमत से ये जीतने वाले हैं, इन्हें निर्दलीय चेहरों की बागियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी पड़ती है तो ये संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा ने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ये चीज आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगली बात करना चाहेंगे नए अभियोजन निदेशक कौन है, क्योंकि इसे लेकर भी आज हम आपके लिए अपडेट लाए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के पद पर नई नियुक्ति की है, संयुक्त निदेशक विजिलेंस मोहिंदर चौहान को डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बनाया गया है। इस नियुक्ति पर इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति ली गई है। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर नंदलाल आज ही रिटायर हो रहे हैं और ये पद खाली हो रहा था, इस वजह से यहां पर नई नियुक्ति करनी पड़ी है, इसे लेकर स्पेशल परमिशन ली गई जो कि अनुमति भी यहां पर मिल गई। अब अगली बात करना चाहेंगे उन कर्मचारियों से जुड़ी जिनका मतदान अभी भी शेष रह रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा बवाल इसे लेकर हम कहना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में मचा हुआ है। लगातार कांग्रेस की ओर से इसे लेकर ये आवाज उठाई जा रही है कि आखिरकार ये धीमी गति से प्रोसेस क्यों चल रहा है। 1,27,000 के करीब ये संख्या है, सर्विस वोटर्स हैं और पोलिंग पार्टी वाले कर्मचारी हैं। देखिए जो पोलिंग पार्टी है इनकी ओर से फिलहाल यहां 67% वोट हो चुकी है, लेकिन सर्विस वोटर्स की ओर से 24% ही वोट हो पाई है और अभी तक यहां 60,000 के करीब कर्मचारी बचे हुए हैं जिनकी ओर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से यह मतदान होना है। समय इनके पास केवल 8 दिसंबर तक 8 बजे तक का ही है, अगर 8 बजे के बाद ये वोट यहां पर करते हैं या पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट इनकी 8 बजे के बाद पहुंचती है तो उसकी गणना फिर यहां नहीं होने वाली है। इसलिए अपील ये की जा रही है कि ये जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से वोट कर रहे हैं जल्दी ही करें ताकि प्रोसेस यहां पर जल्दी हो सके और इस बात का अंदाजा भी यहां लगाया जा सके कि आखिरकार कितने कर्मचारी अब शेष रह गए हैं और कितने कर्मचारियों ने वोटिंग कर दी है। देखिए इसमें एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से यहां पर ये पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है प्री पेड स्पीड पोस्ट की ओर से, क्योंकि ये मतदान होता है तो भुगतान इसमें इन कर्मचारियों को नहीं करना पड़ता है, चुनाव आयोग पहले ही कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा देरी यहां बढ़ती जा रही है। विशेष तौर से सर्विस वोटर्स जिसमें कि सेना और बाकी कुछ एक जरूरी सेवाएं देने वाले कर्मचारी आते हैं या विदेशों में जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है, बहुत ही कम इनकी संख्या रह रही है, 30% महज यहां पर हुई है अभी तक ये वोटिंग इनकी ओर से, बाकी कुछ एक शेष रह रहे हैं, 1,27,000 हैं, लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं कि 60,000 वोट ही अभी तक आए हैं, बाकी सभी कर्मचारी शेष रह रहे हैं। इनके लिए कई तरह के अभियान भी चुनाव आयोग की ओर से अभी यहां शुरू किए गए हैं। अगली बात करना चाहेंगे उन कर्मचारियों से जुड़ी जिनकी चुनावों के दौरान ड्यूटी लगाई गई थी, न केवल कर्मचारी बल्कि अधिकारी भी, क्योंकि उन्हें अब जो अगला माह होगा इसमें डबल वेतन मिलने वाली है, यानी कि एक माह की बेसिक वेतन इन्हें यहां पर दी जाएगी। दरअसल इसका कारण यह है क्योंकि चुनावों में भी ये ड्यूटी दे रहे थे, चुनाव आयोग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी हो गए हैं डीसी को, क्योंकि यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से लेकर जितने भी नियमित या फिर अनुबंध आधार पर जो भी कर्मचारी सेवाएं दे रहे थे उन सभी को ये लाभ मिलने वाला है। वित्त विभाग के साथ भी सहमति यहां पर चुनाव आयोग ने इसे लेकर बिल्कुल बना ली है और डीसी को ये निर्देश जारी हुए हैं कि एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं रहना चाहिए जिसे डबल वेतन ना मिले। बात यहां पर सिर्फ कर्मचारी और अधिकारियों की नहीं है बल्कि
इसमें जो डेली वेजेस वाले और इसके अतिरिक्त जो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं इन्हें भी यहाँ पर लमसम आधार पर वेतन दिया जाएगा। कौन कौन से वर्ग को कितना मानदेय यहाँ मिलने वाला है ये जानकारी आपको दे देते हैं। फील्ड ऑफिस में तैनात डेली वेज स्टाफ को 5,500 रुपए, प्रोग्रामर को 15,000, सहायक प्रोग्रामर को 11,000, कंप्यूटर ऑपरेटर को 9,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 7,000, सफाई कर्मचारी को 5,000 और अन्य विभाग से काउंटिंग पर्पस के लिए अन्य विभागों से अपॉइंट किए गए अधिकारी को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक ये अच्छी बात हम कहना चाहेंगे, राहत भरी खबर है और इसे लेकर देखा जा सकता है। सभी जिलों के डीसी को आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब उन एंटिटी संस्थानों पर आना चाहेंगे जिन्होंने ना तो विभाग से परमिशन ली और ना ही एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और यहां पर एंटिटी के कोर्सेज उन्होंने शुरू कर दिया। और क्यों किए? क्योंकि अभी यहां पर देखिए एंटिटी भर्ती होने वाली है 4,700 के करीब पदों पर। दरअसल पहले ही 15,000 के करीब महिलाएं इस इंतजार में बैठी हुई हैं कि कब ये भर्ती होगी। और दूसरी ओर संस्थानों की ओर से यहां पर इस तरह के कोर्सेज शुरू कर दिए गए, ना केवल एंटिटी, इसमें योगा और चाइल्ड केयर जैसे कोर्सेज भी शुरू हुए। और इन्होंने एनसीटीई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की थी, विभाग से भी परमिशन नहीं ली। जब शिकायत नियामक आयोग के पास पहुंची तो पिछले कल यहां अदालत बिठाई गई थी नियामक आयोग की ओर से, जिसमें सुनवाई हुई है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे जिनकी ओर से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। साथ ही एनसीए एफएससी के अधिकारियों ने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। काफी कुछ इन डॉक्यूमेंट से निकलकर सामने आया है और उसके बाद कार्यवाही ये की गई है 17 संस्थानों पर। इन 17 संस्थानों को ये कहा गया है कि पहले तो भारी भरकम फीस जो इन्होंने छात्रों से ली है उसे वापस कर दें, और दूसरी बात अब इनके पिछले डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जाएंगे और भारी जुर्माना भी इन्हें यहां पर लगाया गया है। दरअसल एनसीएफएससी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था और उसके बाद यहां पर ये शिक्षा देना शुरू कर दिया, जबकि यहां पर ये नियमों के काफी विरुद्ध है। और जब ये शिकायत नियामक आयोग के पास पहुंची तो अब कड़ा संज्ञान इस मामले को लेकर यहां लिया गया है। किसी भी संस्थान के बहकावे में ना आए क्योंकि अभी पदों पर भर्ती होगी, सिर्फ इस बात के लिए किसी भी संस्थान से ना जुड़े, उसकी पूरी तरह से तहकीकात कर ले। ये मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं थे और अब बड़ा एक्शन इन पर यहां ले लिया गया है। दूसरी ओर एंटिटी भर्ती की बात करें तो इसे लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। अभी तक चुनाव आयोग से ना तो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अनुमति ली, ना ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने, और अब जब नई सरकार का गठन होगा एक बार फिर यहां इस पॉलिसी को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है अगर उनकी सरकार बनती है तो भाजपा सरकार की ओर से जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं पिछले 6 महीने में उन्हें दोबारा से यहां पर रिव्यू किया जाएगा। वहीं काफी सारे लोग 8 दिसंबर को बेताब रहने वाले हैं और रिजल्ट जानने के लिए हर कोई यहाँ उत्सुक रहने वाला है। अभी से ही हालांकि यहाँ पर कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, एक तरह की उत्सुकता हम देख रहे हैं कि लोगों में बनी हुई है। एक नया रास्ता चुनाव आयोग की ओर से इसमें निकाला गया है, एक तरह से डिजिटल मोर्चा से अब चुनाव आयोग यहाँ जुड़ गया है। ऐप इनकी ओर से देखिए यहाँ नया पेश किया गया है और ये जो ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसमें जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि इस ऐप के जरिए उसमें सारी ताजा अपडेट प्रदेशवासी देख सकते हैं। यानी कि ये ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप है और आपके फोन पर पूरी जानकारी आने वाली है। जो भी रुझान रहेंगे, ताजा अपडेट रहेगी, आप तक बिल्कुल पल पल के बाद पहुंच पाएगी। तो ये भी हिमाचल वासियों के लिए एक हम अच्छी खबर कह सकते हैं। यूं तो उस दिन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचेगी ही, लेकिन इस ऐप का इस्तेमाल भी उस दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की ओर से भी एक बड़ी मांग उठाई गई है। 2021 से लेकर अभी तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। उस वक्त ओलावृष्टि और तूफान के चलते इनकी फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी, तब से लेकर ये मुआवजा मांग रहे हैं। केंद्र को इसकी रिपोर्ट भी भेजी गई थी लेकिन उसके बाद कोई हलचल इस मसले को लेकर भी नजर नहीं आई। तो अब इन्होंने किसान राहत कोष को लेकर यहां मांग उठाई है। दरअसल इनका ये कहना है अगर ये राहत कोष बन जाता है तो आने वाले समय में जब भी आपदा से इनकी फसलें प्रभावित होगी तो इन्हें यहां पर राहत पहुंचाई जा सकती है। लेकिन अब ये भी यहां पर नई सरकार ही इनकी डिमांड पर गौर कर सकती है। वहीं अगली जानकारी एसएफआई से जुड़ी हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि आज इन्होंने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। भूख हड़ताल पर पिछले कल ये बैठ गए थे। मांग इनकी ओर से ये उठी है कि ईआरपी सिस्टम को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बंद कर दिया जाए, ये छात्रों के हित में नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम से कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है और छात्र इससे डिप्रेस भी हो रहे हैं और साथ ही साथ सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। दरअसल ये 80% छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट खराब हुआ है ऑल ओवर हिमाचल की अगर हम बात करें, और 33% छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही है। काफी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, एक साल भी बर्बाद हो जाएगा और साथ ही साथ फेल होने का डिप्रेशन भी है। और इनका ये भी यहां दावा है कि परीक्षाएं अच्छी हुई थी, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल विपरीत यहां
परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। वहीं कांग्रेस ने अब हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है और कारण वही है कि जो कर्मचारियों की ओर से काफी ज्यादा धीमा प्रोसेस रह रहा है मतदान के लिए, ये चिंता का विषय बना हुआ है कांग्रेस के लिए। देखिए यहां ओपीएस को लेकर बाजी खेलनी चाहिए थी कांग्रेस ने, और ओपीएस से फायदा किसे मिलेगा? सबसे ज्यादा कर्मचारियों को, लेकिन अब ये कर्मचारी ही सामने आ रहे हैं जो कि काफी धीमी गति से यहां मतदान कर रहे हैं, तो कांग्रेस की चिंता इससे बढ़ गई है। एक कर्मचारियों का वोट बैंक ये काफी स्ट्रांगली यहां पर महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी देखा जा सकता है कि कर्मचारी वोट ही देने नहीं जा रहे हैं। एक तरह से पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मतदान करना है उसे लेकर कोई रुचि ही उनमें नजर नहीं आ रही है। अब महज यहां पर 8 से 9 दिन शेष रह गए हैं और अभी भी अगर जल्दी इनकी ओर से मतदान नहीं किया जाता है तो एक तरह से ये वेस्टेज ही पोस्टल बैलेट पेपर्स की मानी जाएगी। तो अब इन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है क्योंकि इनका ये मानना है कि भाजपा की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारियों पर, या तो वो भाजपा को ही वोट दे या फिर किसी को ना दे। और जो कुछ कर्मचारियों को यहां पोस्टल बैलेट ही प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भी एक बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला है, ये भी इनकी ओर से यहां पर आरोप लग चुका है। तो देखना होगा आने वाले समय में किस तरह का रुख यहां कांग्रेस का इसे लेकर भी रहता है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।